एंड वेलकम टू माय चैनल ऑन इनोवेट तनू सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और डिटेल में इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें ये बहुत उठ रहा था कि क्या सच में टेंथ बोर्ड ओवर हो चुके हैं कि नहीं सो so, टेंथ बोर्ड एक तरीके से न्यू न्यू तरीके से आए हैं ओके सो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ बोर्ड्स होंगे बट बोर्ड्स को शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है जो आपके लिए इजी हो गए हैं जैसे पहले प्रीवियस बोर्ड हुआ करते थे वैसे अब नहीं हो रहे हैं सो so, आज हम जानेंगे कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या हैं और फीचर्स क्या हैं ओके सो प्रीवियसली देयर वॉज अ साइंस कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम बट नाउ देयर विल बी नो सर्च स्ट्रीम तो पहले क्या होता था साइंस कॉमर्स uh, होती थी साइंस होती थी ओके आर्ट स्ट्रीम होती थी आपको कोई एक चूज करना पड़ता था बट अब क्या हो गया है अब ऐसा कुछ भी नहीं है आप चूज कर सकते हो एज वाई सब्जेक्ट जो आपको अच्छे लगते हैं देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट विल बी टॉट कोडिंग फ्रॉम सिक्स स्टैंडर्ड अब अब आपको कोडिंग भी सिखाई जाएगी जब आप सिक्स स्टैंडर्ड में जाओगे तो प्रॉपर आपको कोडिंग भी सिखाई जाएगी ऐसा नहीं है कि आप टेंथ के बाद ही कोडिंग सीखोगे या टेंथ में कोडिंग सीखोगे तो आपको प्रॉपर सिक्स स्टैंडर्ड से आप कोडिंग भी सिखाएगा सीबीएसई बोर्ड ओके न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सारे बोर्ड्स में ओके नॉट अबाउट सीबीएसई नेक्स्ट वन बोर्ड एग्जाम विल हैपन सो यही सारे चेंजेस हैं जो पुराना ओल्ड सिस्टम था ओल्ड ओल्ड सिस्टम जो था बोर्ड का वो ओवर हो गया है ना कि बोर्ड ओवर हो गया है सो दिस दिस इज सॉरी अबाउट द प्रीवियस वीडियो तो अब मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने अभी पॉलिसी में रीड करके किया हुआ है जो भी पॉइंट्स मैंने अब नोट डाउन किए हैं बोर्ड एग्जाम विल हैपन ट्वाइस आइज अर साल में दो बार होगा आपके बोर्ड ठीक है दो मतलब दो बार होंगे एक साल में आपके दो बार एग्जाम होंगे रिड्यूस द बर्डन फ्रॉम द शोल्डर ऑफ फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओके ऑफ द स्टूडेंट्स सो क्या किया जाएगा कि अगर दो बार होगा तो आपके क्या होगा बर्डन भी कम होगा क्योंकि सिलेबस क्या है डिवाइड हो गया पहले आपको क्या करना पड़ता था सारे चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने पड़ते थे और एक बोर्ड एग्जाम होता था एक एग्जाम एक होता था आपका उसमें सारे सब्जेक्ट आते थे सारे सारे चैप्टर्स आते थे बट नाउ इट्स चेंज इज टोटली चेंज अब साल में दो बार एग्जाम होंगे आपके हाफ ऑफ सिलेबस में आएंगे ओके okay? एक बोर्ड एग्जाम फॉर ग्रेड टेन एंड ट्वेल्थ विल बी कंटिन्यूड ओके सो दिस इज द मेन पॉइंट कि टेंथ और ट्वेल्थ दोनों के बोर्ड एग्जाम कंटिन्यूड रहेंगे कुछ चीजों में चेंजेस हुए हैं बोर्ड एग्जाम के टेंथ के सो so, वही मैं आज आपको पूरा डिटेल बता रही हूँ बोर्ड एग्जाम विल बी रीडिजाइन इसको रीडिजाइन किया गया है फिर से बनाया गया है टू इनकरेज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट सो so, आपका पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके आपका पूरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके सो so, अब बोर्ड एग्जाम को उस तरीके से रीडिजाइन कर दिया गया है जो पुराना सिस्टम था बोर्ड का वो अब हट चुका है अब न्यू सिस्टम आ चुका है जो कि ईजियर है और आपके लिए आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट वन इज इट्स हैड्स फ्लैक्सिबिलिटी उसमें फ्लैक्सिबिलिटी भी बहुत है एंड यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया है नो मेमोराइजेशन और जो आप रट्टा मारते थे रट्टा मार के एग्जाम में जाते थे कि ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं तो आपको याद करना पड़ता था बट नाउ इट्स टोटली ऑन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा जैसे पहले बोर्ड एग्जाम होते थे तो आप पूरे साल भर बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं लास्ट में पढ़ते हैं जब एग्जाम होने वाले हैं टू टू थ्री मंथ्स पहले पढ़ते हैं याद करते हैं रट्टा मारते हैं चले जाते हैं एग्जाम देने बट अब आपको पूरे होल ईयर पढ़ना पड़ेगा इसीलिए उन्होंने चेंजेस ये सारे किए हुए हैं सो दिस इज अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और स्टूडेंट ओके बोर्ड एग्जाम ऑन आप टू टू ओकेजन सो दो बार होंगे टू ओकेजन ड्यूरिंग एनी गिवेंट स्कूल ईयर वन मेन एग्जामिनेशन एंड वन फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिजायर सो आपके दो एग्जाम होंगे जस्ट लाइक टर्म वन एंड टर्म टू होंगे जैसे आपके टर्म वन एंड टर्म टू छोटी क्लासेस में होते थे हाफ एयरली एंड फाइनल असेसमेंट सो वैसे ही कुछ होगा ये तो आपके एक होगा मेन एग्जाम जो आपका मेन एग्जाम होगा तो जैसे कि टर्म वन में आपके थोड़े कम मार्क्स भी आए हैं तो आप टर्म टू में उसे क्या कर सकते हो इम्प्रूव कर सकते हो ठीक है बेस्ट ऑफ टू अटेम असेसमेंट सो आपके दो असेसमेंट होंगे दो टर्म होंगे टर्म वन एंड टर्म टू जैसे टोटल सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम होता था आपका हंड्रेड मार्क्स का वैसे आप इसको फिफ्टी फिफ्टी में डिवाइड कर दिया गया है सो so इससे क्या हो गया स्टूडेंट का बर्डन कम हो गया है सो दिस इज अबाउट द चेंजेस ऑफ द क्लास टेंथ बोर्ड ओके एंड नेक्स्ट वन इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे टर्म वन एंड टर्म टू तो होंगे जो आपके हाफ ऑफ सिलेबस कर दिए गए हैं तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट का मार्क्स होगा तो आपका फिफ्टी परसेंट बर्डन भी कम होता है नेक्स्ट वन इज एनुअल सेमेस्टर मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स कुड भी डेवलप्ड तो यहाँ पे क्या है एक एनुअल भी हो गया सेमेस्टर भी होगा मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे सो so, इतनी सारी चीजें आपके स्कूल में होंगी जैसे छोटे-छोटे टेस्ट भी होंगे वो भी आपके बोर्ड में जुड़ेंगे ओके जैसे टीचर ने थ्री चैप्टर्स पढ़ाए तो थ्री चैप्टर्स के बाद भी आपका एक टेस्ट होगा एक एग्जाम होगा सो so, आप फिर ये आपके फाइनल्स में भी जुड़ेंगे ओके सो दिस इज अबाउट द एनुअल एंड मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स ठीक है सो आप एक समझ सकते हो इसको कि आपके बोर्ड जो प्रॉपर बोर्ड होते थे अब वो हटके मिनी बोर्ड्स में चेंज हो चुके हैं ये ओके सो ये मिनी मिनी बोर्ड्स में होंगे आपके एग्जाम रीडिजाइन टू हैव टू टू वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप विद एमसीक्यू क्यू एंड अदर डिस्क्रिप्टिव टाइप सो वहां पे एक और चीज मेंशन थी कि आपका कुछ पार्ट जो होगा वो एमसीक्यू भी आ सकता है ऑलरेडी आप एमसीक्यू दे चुके हो एक बार ठीक है तो ये एमसीक्यू और अदर पार्ट जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव तो एमसीक्यू भी के क्वेश्चन भी आएंगे जस्ट लाइक like आप ग्रामर ले सकते हो तो ग्रामर में कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू भी आ सकते हैं बट एस वगैरह हो गया एप्लीकेशन हो गई लेटर हो गया नोटिस हो गई सो so ये सारी चीजें तो आप नहीं कर सकते हो ना एमसीक्यू में ओके okay? सो so ये सारे आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे सो so इस तरीके से इसको रीडिजाइन किया गया है जो पुराना ओल्ड सिस्टम था वो ओवर हो चुका है सो सो सॉरी फॉर द प्रीवियस वीडियो जो मैंने बताया था कि टेंथ बोर्ड इज ओवर सो टेंथ बोर्ड इज नॉट ओवर बट द ओल्ड टेंथ सिस्टम ओल्ड बोर्ड सिस्टम इज ओवर नॉट द टेंथ बोर्ड एग्जाम ओवर ओके सो दिस विल है ट्वाइस अ इर लाइक सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर टू और यू कैन सी टर्म वन एंड टर्म टू सो दिस इज अबाउट दीडियो अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी थैंक यू सो मच इफ यू लाइक माई वीडियो जो सब्सक्राइब टू माई चैनल And thank you. Bye bye.